हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मरीन वेल्स के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, आईएमयू सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, और आप में से बहुत सारे लोग आईएमयू सीईटी के एग्जाम देंगे। और आईएमयू सीईटी के एग्जाम देने के बाद एक बार अगर आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया तो दोस्तों, उसके बाद आपके पास कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएगी, कुछ स्ट्रीम्स आपके सामने आ जाएंगी। स्ट्रीम्स का मैं नाम लेना चाहूंगा। स्ट्रीम्स आएगी आपके सामने एक डीएनएस, एक बीएससी नॉटिकल साइंस, और एक स्ट्रीम आएगी आपके सामने मरीन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इनिशियली आप जब आईएमयू सीईटी क्लियर करके जाते हैं तो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों को एक भी स्ट्रीम के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि कौन सी स्ट्रीम अगर हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करके हम क्या बनेंगे। ना उन्हें शिपिंग के बारे में ना कोई नॉलेज होता है, और ना ही इसी वजह से उन्हें कोई भी नॉलेज होता है कि वो कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करे। और दोस्तों, इसी वजह से लोग अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं। कोई बीएससी चूज कर लेता है, कोई डीएनएस चूज कर लेता है, और कोई मरीन इंजीनियरिंग चूज कर लेता है। अब दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, हजारों लोग मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने वाले हैं इस साल, आप में से हजारों लोग इस बार आईएमयू सीईटी का एग्जाम क्लियर करने के बाद हर कॉलेज, किसी ना किसी कॉलेज में जाकर मरीन इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए अपनी स्ट्रीम चूज करते वक्त। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग गलती बताना चाहूंगा जो कि मैंने की थी। दोस्तों, मैंने ये गलती की थी कि मैंने आईएमयू सीईटी का एग्जाम दिया, मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने, जब वो फील्ड चूज करने का टाइम आता है कि अब आपको कॉलेज चूज करना है और आपको स्ट्रीम चूज करनी है, तो दोस्तों मैंने मरीन इंजीनियरिंग ये सोच के ले ली कि चलो भाई साहब, सबसे लंबा कोर्स ये है 4 साल का, तो ये कर लेते हैं क्योंकि सबसे लंबा कोर्स है तो सबसे अच्छा होगा। ये सोच के मैंने मरीन इंजीनियरिंग ली थी। हालांकि मरीन इंजीनियरिंग में एक बार जाने के बाद मुझे वो फील्ड बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो उसकी वजह से मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कितने ज्यादा स्टूडेंट्स से ऐसे मिला हूँ जो कि उन्होंने मरीन इंजीनियरिंग चूज तो कर ली और अब बाद में वो पछता रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार बीएससी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, अच्छा होता शायद। अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने मरीन इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन की। क्योंकि दोस्तों, आप किसी भी फील्ड को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होता है कि शिप पे दो दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक डेक डिपार्टमेंट और सेकंड होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो आपको या तो डेक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इंजन डिपार्टमेंट में। दोस्तों ये है, लेकिन एट अ वेरी बेसिक लेवल आपको इंजन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपको डेक डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे इतने से बेसिक नॉलेज के ऊपर कि अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में काम करेंगे इसके लिए आप मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले, मरीन इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क है, ये कोई ईजी गेम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेंटल वर्क प्लस बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क लगता है। अब दोस्तों, जब आप कॉलेज पीरियड में होते हैं तो सबसे पहले आपके कॉलेज के जो 4 साल बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कैडेट्स इन बीएससी। कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था तो दोस्तों हमें देखकर ऐसा लगता था कि यार काश बीएससी ले लेनी चाहिए थी। वो लोग पढ़ाई करते ही नहीं है, कितनी कम पढ़ाई है उनको, लेकिन हमको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती थी। हमारे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करते हैं मरीन इंजीनियरिंग में। और दोस्तों यही नहीं, इसके बाद भी जब आप एक बार कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो दोस्तों शिप के ऊपर जाने के बाद बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है मरीन इंजीनियर्स को। और ना कि सिर्फ मेंटल वर्क बल्कि बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क है मरीन इंजीनियरिंग में। दोस्तों शिप पे इतनी ज्यादा मशीनरीज होती है, बहुत तरीके की, अलग अलग टाइम पे ब्रेकडाउन होते रहते हैं। किसी भी टाइम पे ब्रेकडाउन हो गया, किसी भी टाइम पे कोई भी बड़ी मशीनरी पे काम आ गया, आपको लगातार मेंटेनेंस करना पड़ता रहता है मशीनरीज के ऊपर। बहुत सारी मशीनरीज होती है, इसीलिए आते हैं बहुत सारे अलार्म्स। दोस्तों बार बार आप ढंग से सो नहीं पाएंगे। टाइम टू टाइम आप रूम में सो रहे होंगे, कोई अलार्म आ जाएगा, आपको भाग के आना पड़ेगा इंजन रूम में। इंजन रूम में काम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क होता है, बहुत ही ज़्यादा ये फिजिकल हार्डवर्क होता है, और बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते अच्छे से, और फिर इसकी वजह से वो बाद में पछताते हैं कि यार मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी, शायद डेक साइड ज्वाइन करनी चाहिए थी, शायद थोड़ा ईजी रहता। तो दोस्तों इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीन इंजीनियरिंग ऐसा नहीं है कि ये जो 4 साल का कोर्स है तो अच्छा ही होगा। मैक्सिमम लोग, और मुझे बाद में लोगों से बात करने के बाद पता चला कि सच्चाई ये है कि मैक्सिमम लोग इसी वजह से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एक तो वर्ड इंजीनियरिंग आ जाता है तो हमारा माइंडसेट ही उसी तरीके से बिल्डअप होता है कि भाई साहब इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ज़्यादा सेफ है, जॉब पक्का मिलेगी। और अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है
कि जॉब ज़्यादा मिलेगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डेक डिपार्टमेंट में जॉब्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंजन डिपार्टमेंट। आज के इस मार्केट में डेक डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है एज़ कम्पेयर टू इंजन डिपार्टमेंट। लेकिन इंजन डिपार्टमेंट में दोस्तों मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एक डिपार्टमेंट है। आप बहुत ही ज़्यादा आपका ब्राइट करियर हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इस इंजन डिपार्टमेंट को और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक मरीन इंजीनियर बना। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें जो कि बहुत ज़्यादा लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि एक बार कोई फील्ड चूज़ कर लिया और उसके बाद में वो ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं कि यार शायद ये फील्ड चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सारे प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे कर ले एक दूसरे के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप सूटेबल है या नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में। बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क होता है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गधों जैसे काम करते गए वहाँ पर जाकर, हाथों मजदूरी जैसे। आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, आप होते हैं एक इंजीनियर, आप होते हैं एक सर्टिफाइड इंजीनियर। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और फ्यूचर में भी आपको एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो कुछ ये हलवा खाने वाला काम नहीं है मरीन इंजीनियरिंग, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है इसमें। इस तरीके से नहीं है कि एक बार ज्वाइन कर लिया तो भाई साहब लाइफ सेट है हमारी, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने से पहले आप एक बार अच्छे से उस स्ट्रीम को अच्छे से परखें, उस स्ट्रीम को अच्छे से जांचें, अच्छे से उस स्ट्रीम के बारे में पढ़ें। इंटरनेट पर दूसरों के रिव्यूज़ ना पढ़ें, आप खुद, आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में पढ़ें। आप मरीन इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आप ये मत पढ़ो कि किसी पर्टिकुलर इंसान का आपने आइडिया सुन लिया, किसी ने एक ने बोल दिया कि हाँ मरीन इंजीनियरिंग अच्छी है तो आपने मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, किसी एक ने बोल दिया नहीं मरीन इंजीनियरिंग बकवास है तो आपने मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का अपना डिसीजन हटा दिया। ऐसा मत कीजिए, आप मरीन इंजीनियरिंग को पढ़िए, आप मरीन इंजीनियरिंग को समझिए कि एक मरीन इंजीनियर की जॉब होती क्या है। और अगर आपको वो पढ़ने के बाद आपको अगर इंटरेस्ट आता है अंदर से कि हाँ मुझे मरीन इंजीनियरिंग करनी है, मुझे मरीन इंजीनियर बनना है, तो दोस्तों आप ये फील्ड ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा इस फील्ड में और इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बस गलती मत कीजिए जो कि बहुत सारे लोग करते हैं और आप बिल्कुल भी ठीक रहेंगे, आपका एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में। गुड बाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फ्रेंड जयवर्धन सिंह रानावत। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा इस चैनल द मरीन वेल्स पर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द मरीन वेल्स को, ताकि आप किसी भी ऐसे वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों गुड बाय फॉर नाउ।